AWL ये कैसा दिख रहा है? अच्छा, AWL मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है रिसेंटली, क्योंकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो। AWL फॉर लॉन्ग टर्म काफी अच्छा है। इनका जो एक ब्रांड है वो फॉर्च्यून एडिबल ऑयल, इनका जो ब्रांड है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, एटलीस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, मेजरली मुंबई वाला जो हिस्सा है वहां पे इनका जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो काफी अच्छा। ये लोग दूसरा क्या है, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन भी काफी अच्छे से कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि आपके पास एडिबल ऑयल की प्रोडक्ट है, अब आप उसमें एडिबल ऑयल में कौन सी नई चीज ऐड कर रहे हो, जैसे अगर सनफ्लावर है तो वो नया कुछ ऐड करेंगे उसके सामने, तो प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन भी उनका एक्सपांड हो रहा है, प्लस वो नए सेगमेंट में भी एंट्री ले रहे हैं, जैसे वो अभी राइस हो गया या फिर अदर फूड कॉमोडिटीज हो गई, उसमें भी वो लोग अपना एंट्री कर रहे हैं मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक काफी अच्छा है, आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इसका जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो अभी ऑलरेडी बना हुआ है। इसका जो स्टॉप लॉस लेवल होगा, आप अगर करंट प्राइस पे बाय करते हो तो 620 के आसपास आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा, और आपके टारगेट है वो अराउंड 840 के आसपास बनेंगे। अभी चल रहा है 680, मतलब आपको 60 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 120 रुपए का आपका 1:2 के हिसाब से आपका टारगेट, 1:2 से ज्यादा 1:3 के हिसाब से आपके टारगेट बन रहे हैं। सीएमपी पे बाय करिए, 870, 970 ये आपके दो टारगेट लेवल रहेंगे, स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा 620 के आसपास रहेगा। जी,